हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है इट इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ इन जनरल एंड टॉकिंग अबाउट थेरेपी क्या होती है, हाउ डज इट हेल्प, यू नो किसको जाना चाहिए थेरेपी के लिए एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, सो मॉम्स, मेंटल हेल्थ इज समथिंग जिसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लेस टॉक्ड अबाउट टॉपिक, क्योंकि अ लॉट ऑफ मदर्स गो थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड इट इज नॉट जस्ट दैट कि मदर्स गो थ्रू इट, मदर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा एलिवेटेड होता है क्योंकि दे डोंट गेट द टाइम टू देन यू नो वर्क ऑन दैट मेंटल हेल्थ वाइल दे आर फेसिंग द इशू। बट मेंटल हेल्थ इशूज इन जनरल आर समथिंग जो आजकल आर वेरी कॉमन एंड थैंकफुली एज पीपल आर आइडेंटिफाइंग देम एंड पीपल आर वर्किंग ऑन देम, जो कि पहले नहीं होता था। तो ऐसा नहीं है कि आजकल से ही होने लगे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज, पहले भी होते थे, पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। अभी भी आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि बहुत एक कम परसेंटेज ऑफ द सोसाइटी स्पेशली इन इंडिया है जो इसको इंपॉर्टेंस देती है कि यू नो दिस समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन या इसका इंपॉर्टेंस है कुछ। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर यूज्ड टू काइंड ऑफ ब्रशिंग थिंग्स अंडर द कार्पेट के ठीक है ये सब छोटे मोटे इश्यूज है एंड वी कैन डील विथ इट। बहुत सारे लोग जानते नहीं कि एग्जैक्टली थेरेपी क्या होता है बिकॉज देर इज वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, लोग बात नहीं करते उसके बारे में। सो आई वॉन्टेड टू सेट डाउन एंड शेयर अ फ्यू थिंग्स। मैंने अराउंड 8-9 months पहले आई स्टार्टेड टेकिंग थेरेपी एंड आई मेंशन्ड इट इन वन ऑफ माई वीडियोज एंड अभी ऑलमोस्ट लाइक आई सेड 9 months हो गए एंड स्टिल टेकिंग थेरेपी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड फॉर मी, इट हैज़ वर्कड वंडरफुली वेल फॉर मी। और इसलिए मैं ये खास करके यहाँ आके आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल, बेसिक क्वेश्चन आंसर करना चाह रही थी जो शायद आपके मन में हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू कीप ऑन सेंडिंग मी DMs जिसमें आप लोग अपने डेली स्ट्रगल्स, यू नो मेंटल हेल्थ इश्यूज दैट यू आर गोइंग थ्रू, अ लॉट ऑफ यू आस्क फॉर द डिटेल्स ऑफ माई सेशंस एंड एवरीथिंग। तो मैंने सोचा मैं एक जेनरिक वीडियो बनाती हूँ जिसमें बेसिक जो क्वेश्चन है आप लोगों के वो मैं आंसर करती हूँ, सो दैट यू गेट अ स्लाइटली बेटर आइडिया। आई थिंक फॉर मॉम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन देयर मेंटल हेल्थ, चाहे आप थेरेपी लेके करो, चाहे सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली चीजों में इंडल्ज करके, चाहे वो बुक्स पढ़ने से रिलेटेड हो, मेडिटेशन से रिलेटेड हो, वो सब करके करो या थोड़ा मी टाइम लेके करो, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो मॉम्स का मेंटल स्टेट होता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट बच्चों पे होता है एंड दिस इज लाइक अ वेरी वेरी डिफाइनिंग पीरियड ऑफ योर किड्स लाइफ। यानी पहले जो 7-8 साल होते हैं किसी भी बच्चे के लाइफ के वो बहुत ही डिफाइनिंग होता है, इट डिफाइन्स द पर्सन दैट दे बिकम। यानी कल ही इनफैक्ट माई थेरेपिस्ट वॉज मैंशनिंग के द फर्स्ट 7 years में बच्चों का जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो ऐसे डेवलप होता है कि इट एक्चुअली डिसाइड्स ऑलरेडी लाइक बाई द टाइम द किड इज 7 years old उसका पर्सनैलिटी टाइप कैसा होगा, हाउ ही विल बी गेट्स डिफाइंड टू अ लार्ज यू नो एक्सटेंट बाई दैट एज। तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल एज एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि उस एज में हम बच्चों को वी गिव आर बेस्ट टू देम सो दैट दे कैन ऑल्सो टर्न आउट टू बी देयर बेस्ट। सो या दैट्स द पर्पज ऑफ दिस वीडियो। मैं क्यू एंड ए फॉर्मेट में कर रही हूँ, काफी सारे क्वेश्चन है उनको मैं आंसर करने वाली हूँ, बहुत सारे ओवरलैपिंग क्वेश्चन है, सो आई एम गोइंग टू गो थ्रू द क्वेश्चन विच आर कॉमन, उनको मैं एक साथ आंसर करूंगी और फिर कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनको भी मैं आंसर करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स और मेंशन के किसने पूछे हैं कि क्वेश्चन, बट बिफोर वी रीच देयर मैं खाली इन 1 minute आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन वॉट एक्जैक्टली थेरेपी इज, क्योंकि इवन बिफोर वी स्टार्ट हमें से आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट एक्जैक्टली नो कि थेरेपी क्या होता है। आई ऑल्सो डिडंट नो इन डिटेल। हमें से बहुत सारे लोग समझते हैं कि थेरेपी इज जस्ट लाइक अ फैंसी वर्ड जो आजकल फ्लोट कर रहा है मार्केट में, यू नो बहुत सारे लोग समझते हैं कि थेरेपी इज वेन आपको कोई बहुत सीवियर मेंटल इलनेस है, लाइक इफ यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, सीवियर एंग्जाइटी अटैक्स, यू नो थिंग्स लाइक दैट, तब आप बेसिकली यू टेक थेरेपी। सम पीपल थिंक इट्स कम्प्लीटली बेसिकली अननेसेसरी, इट्स लाइक एक हाइप क्रिएट किया हुआ वर्ड एंड यू नो पीपल आर सकम्बिंग टू इट। सो आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर आउट एग्जैक्टली माई मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से व्हाट इज थेरेपी। सो थेरेपी इज फॉर एवरीवन। थेरेपी कोई एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, थेरेपी इज मोर लाइक काउंसलिंग। ऑब्वियसली देयर आर सर्टिफाइड क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड साइकोथेरेपिस्ट हु गिव यू थेरेपी। थेरेपी जरूरी नहीं है कि आपके बहुत सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज हो तो ही आपको यू नो आपके लिए लेना जरूरी है। थेरेपी इज फॉर बेसिक थिंग्स ऑल्सो डे टू डे लाइफ में, अगर आपको चैलेंजेस आ रही है, देयर आर सर्टेन बिहेवियरल पैटर्न्स है, आपकी कोई पर्सनालिटी रिलेटेड चीजें जो आप चेंज करना चाहते हो, चाहे एंगर इश्यूज हो, चाहे जनरल छोटी छोटी चीजों में ओवरवेलम हो जाना, एंग्शियस हो जाना, स्लीपलेसनेस होना, या अपनी बात को आगे ना रख पाना, सेल्फ एस्टीम रिलेटेड इश्यूज, यू नो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जिसके साथ यू कैन लिव योर लाइफ नॉर्मली एंड यू कैन नॉट गेट बॉदर्ड ऑल्सो। एक्चुअली डे टू डे फंक्शनलिटी में वो शायद आपको ज्यादा इंपैक्ट भी ना करे, बट प्रोबेबली 2-3 महीने में कुछ इंसिडेंट हो एंड यू नो एट दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू टैकल इट वेल, ऐसा भी हो सकता है। या आपकी डे टू डे लाइफ में भी वो इंपैक्ट करता हो सकता है कि यू नो आप छोटी छोटी चीजों में यू आर जस्ट प्लीजिंग पीपल, यू ओनली से थिंग्स टू प्लीज पीपल एंड डोंट स्टैंड योर ग्राउंड के आप क्या फील करते हो आप नहीं बताते, आपको कन्फ्रंटेशन नहीं पसंद है। तो ये सारी डे टू डे लाइफ के छोटी छोटी चीजें भी होती है जो इम्पैक्ट होती है हमारे जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है उससे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं उसके पीछे एक अंडरलाइन
अंडरलाइंग रीजन या मल्टीपल अंडरलाइंग रीजंस होते हैं. मोस्ट एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इज अ लिंक्ड टू आवर चाइल्डहुड. और थेरेपी इज बेसिकली समथिंग विच काइंड ऑफ हेल्प्स यू एक्सप्लोर दोज एरियाज कि किस वजह से हो रहा है, वॉट एक्सपीरियंसिस डिड यू हैव जिसने आपको आज ऐसे शेप किया है. एंड देन इट ट्राइज टू चेंज दोज बिलीव्स अगर वो बिलीव्स आर यू नो हार्मफुल टू यू, या अलाउज यू टू एक्सेप्ट सम ऑफ इट कि हाँ ये ऐसा है बट इट इज ओके. सो इट्स अ प्रोसेस लाइक दैट. ऑब्वियसली जिनके बहुत सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी एक्सेट्रा, उनके लिए यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोथेरेपी यानी ये जो काउंसिलिंग होता है वो प्लस मेडिकल इंटरवेंशन यूज किया जाता है. बट आई एम टूडे टॉकिंग अबाउट ओनली ब्रॉड लेवल थेरेपी विच इज मोर लाइक जेनरिक एंड रेलेवेंट टू एवरी. So having said all of that, I'm going to begin the video. So पहले ना एक series of questions है जिसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जा रही है जो एक जन ने भेजे. So I'm going to just answer those questions और फिर जो जो मिस आउट हो रहा है या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आई विल एड्रेस दोज. सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एट वट स्टेज मोमेंट डिड यू डिसाइड दैट यू नीड टू गो फॉर थेरेपी. ओके सो फॉर मी बेसिकली मैं बहुत सालों से सोच रही हूँ यानी अराउंड 10 odd years से आई हैव बीन थिंकिंग for of going for therapy. Now the thing with me is, I think I mentioned this before also, ki I am currently living like the best years of my life. Everything in my life, agar main comparative terms mein dekhu, jo mere itne saal maine guzare usme, to currently sari cheeze peak pe hai. Yani I have a great family life, I have two amazing kids, my health is also touchwood okay, and financially also I'm doing okay, career wise also currently I'm doing what I wanted to do. So all of that is going great for me. However, मैंने बहुत पहले ही identify कर लिया था कि मेरे अंदर बहुत सारी behavioral चीजें हैं which are because of some of my previous experiences as a child. As a child, you know, you go through a lot of things. और इंडिया में इसको बहुत importance नहीं दिया जाता है. लेकिन while we are growing up, a lot of us go through bullying, a lot of us go through घर पे काफी सारे issues, a lot of us go through relatives. यानी इंडिया में relatives can also be very, very toxic. So relatives related issues, a lot of us might have bad teachers जिसकी वजह से self esteem issues हुए. There might have been some sort of partiality society level पे, घर के level पे, especially if you are a woman because of which you know you've gone through certain things. There can be so many things जिसकी you become the person that you are today. Okay, so for me, I knew that a large part of my personality is because of whatever experiences I had as a child. Or I think ever since I turned 25, I've been on this continuous journey of improvement jahan dheere dheere karke you know main explore kar rahi hu apni personality ke alag alag sides, and I realize ke what are the areas that I need to work on, and I'm trying to improve myself as a person. And in the process I've realized ke itni sari cheeze hai, like in terms of my capabilities, in terms of the person that I am, which are unexplored only because of certain beliefs जो मुझे मेरे बारे में है, जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू लिव माई लाइफ फुली. ठीक है, या काइंड ऑफ डू थिंग्स टू द बेस्ट ऑफ माई केपेबिलिटीज. एंड आई वॉन्टेड टू चेंज दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. मैं अपने तरीके से बहुत सारी चीजें करती रहती हूँ फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, रीडिंग बुक्स, पॉडकास्ट, मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन. एंड यू नो माई लाइफ हैज इम्प्रूव ड्रास्टिकली. यानी आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन देन वट आई वॉज वेन आई वॉज से 17 और 18 ईयर्स ओल्ड. सो आई हैव बीन ऑन दिस जर्नी फॉर अ वाइल. लेकिन जब से आई बिकेम अ मदर, दिस वॉज समथिंग जो मेरे साथ एज एन आई हैव ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रांगली, लाइक आई ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन दिस, के आई रियलाइज कि मैं जो अपने अंदर की कुछ कुछ चीज़ें हैं, शॉर्ट कमिंग्स, आई डोंट वॉन्ट टू पास देम ऑन टू माई किड्स. और आई डोंट वॉन्ट कि मेरे जो बिहेवियर है वो मेरे बच्चों को या उनकी लाइफ को किसी तरह इम्पैक्ट करे. आई वॉन्ट देम टू हैव दोज पर्सनैलिटीज. ऑब्वियसली हम कितनी भी कोशिश करें बहुत सारी चीज़ें होगी ही, बिकॉज दे आर नॉट इन योर कंट्रोल. लाइक आर पेरेंट्स ऑल्सो डिड देयर बेस्ट, जो उस टाइम पर वो लोग कर सकते थे, उनके पास इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. सो दे डिड वॉट दे कुड डू एट दैट टाइम. उस जमाने में शायद बच्चों को चार थप्पड़ मार देना वॉज नॉर्मल. स्कूल में टीचर यू नो स्केल से मार दे वॉज नॉर्मल. आपकी कंपेरिजन्स हो कॉन्टिन्यूसली वॉज नॉर्मल. आपके साथ बुलिंग हो कॉलेजेस में, स्कूल्स में, लाइक सीवियर लेवल्स ऑफ बुलिंग, दैट वॉज नॉर्मल. सो देर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट के हाँ भाई ये तो सबके साथ होता है, इट्स नॉट अ बिग डील, हमारे बच्चों के साथ ही होगा, एंड देन वी मूव ऑन इन लाइफ. बट दोज थिंग्स हैव डन समथिंग टू अस एज अ पर्सन, राइट? एंड आई डोंट वॉन्ट दैट पैटर्न टू कंटिन्यू. सो मुझे वो पैटर्न एक ब्रेक करना था. आई डिडंट वांट टू सिट ऑन इट कि हाँ ये तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है हो गया तो हो गया, मैं नहीं करूंगी, या यू नो अगर करती भी हूँ तो इट्स ओके. आई डोंट वांट दैट. आई वांटेड टू चेंज दिस फॉर माय किड्स. सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव बीन थिंकिंग वेरी स्ट्रांगली थेरेपी लेने के लिए काफी पिछले 4-5 सालों से, एंड फाइनली लास्ट ईयर आई स्टार्टेड इट. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड यू सिलेक्ट योर थेरेपिस्ट? तो आई थिंक दिस इज द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि लाइक आई सेड इट्स नॉट लाइक डॉक्टर्स जहाँ पे आपके पास बहुत सारे रेफरल्स हो, प्रैक्टो या ऐसी कोई वेबसाइट हो जहाँ पे आपको बहुत सारे फीडबैक मिल जाए, या यू नो बहुत सारे आजू बाजू के लोग भी सिमिलर चीज़ों के थ्रू जा रहे होते हैं, इसलिए दे गो टू डॉक्टर्स एंड दे हैव रेफरेंसेस टू शेयर. यहाँ पे दिस इज लाइक अ वेरी न्यू एरिया, बहुत कम थेरेपिस्ट है, बहुत कम लोग बात करते हैं इसके बारे में, इंटरनेट पर भी कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. सो दिस इज मोर लाइक अ ट्रायल एंड एरर थिंग. प्लस इट्स नॉट लाइक के जो मेडिकल दवाइयाँ होती है लाइक फॉर फिजिकल एलिमेंट्स, वो फिक्स्ड ही होती है कि भैया अगर तुमको एक्स तरीका का प्रॉब्लम हो रहा है तो मोर और लेस सारे लोग सिमिलर ट्रीटमेंट देंगे. इसमें ऐसा नहीं है, राइट? एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ रिसीविंग थिंग्स. अलग तरीके से अलग चीज़ें फायदा करती है. कोई एक पर्सनैलिटी एक तरीके से बेटर
रिस्पॉन्ड करता है कोई चीज़ को. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट थेरेपिस्ट. इट्स अ ट्रायल एंड एरर मेथड ऑनेस्टली. यानी आप रेफरेंसेस ले सकते हो लोगों से. देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स लाइक यू नो मूड स्पेस एंड ऑल, जहाँ पे पूरा एक लाइक डायरेक्टरी या रिपोजिटरी है ऑफ डिफरेंट थेरेपिस्ट. आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द थेरेपिस्ट में क्या होता है कि पहले एक डिस्कवरी कॉल होता है विच इज लाइक अ फ्री कॉल फॉर 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, जिसमें आप उनसे बात करते हो. आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है वेदर दे आर वर्किंग फॉर यू या यू नो आपका उनके साथ रिदम फिर बैठेगा या नहीं. बट लाइक ऑन अ ब्रॉडर लेवल यूजुअली आप 3-4 सेशन करते हो, उसके बाद ही यू गेट अ फेयर आइडिया कि आप कितना एक कम्फर्ट लेवल फील कर रहे हो. एंड देन इफ यू थिंक हाँ दैट्स वर्किंग फॉर यू, तो यू कैन कंटिन्यू विद देम या यू हैव टू लाइक स्विच. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इज टू फाइंड द राइट थेरेपिस्ट. ओनली देन अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस जर्नी विल बी सक्सेसफुल. तीसरा है, वॉज दिस अ इन पर्सन कंसल्टिंग, विल ऑनलाइन और रिमोट कंसल्टिंग बी एज इफेक्टिव? ओके, सो बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे लोग ऑनलाइन कंसल्टिंग करने लगे. मुझे पता नहीं कि उससे पहले क्या सिनेरियो था, बट मैंने इससे पहले भी एक दो थेरेपिस्ट ट्राई किए हैं. इन ऑल केसेस इट हैज बीन लाइक एज इन दे हैव बोथ द ऑप्शंस, बट द वन दैट आई एम यूजिंग इज इन सॉरी द वन दैट आई एम यूजिंग इज जो वीडियो कॉल पे कंसल्टेशन होता है वो. इट्स मोर लाइक अ जूम कॉल. मेरी थेरेपिस्ट इज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई एक्चुअली, सो मेरे केस में तो इट विल ऑलवेज बी अ रिमोट कंसल्टेशन जब तक मैं उसके साथ काम कर रही हूँ तब तक. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि क्या रिमोट कंसल्टिंग उतनी इफेक्टिव होती है या नहीं. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अगेन ऑन द थेरेपिस्ट, ऑल्सो ऑन यू. लाइक मेरे लिए आई वुड ऑलवेज प्रेफर ऑनलाइन कंसल्टिंग रादर देन जाके इन पर्सन कंसल्ट करना, बिकॉज आई एम दैट पर्सन हुज मोर कंफर्टेबल ओपनिंग अप मे बी ऑन अ कॉल या एज एन अक्रॉस द स्क्रीन. इन पर्सन आई एम नॉट टू श्योर इफ आई एम समवन जो बहुत ज्यादा ओपन अप कर सकती है. प्लस इट्स एन एफर्ट ऑल्सो एज अ मदर, इट बिकम्स डिफिकल्ट जाना कहीं पे ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर ऑन कॉल कंसल्टेशन. एंड मेरे लिए इट हैज वर्क्ड वंडरफुली वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड आफ्टर द थेरेपी? ओके, तो ये ना इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि आप एक्जैक्टली किस चीज पे काम करने के लिए थेरेपी में गए हो. अकॉर्डिंगली यू विल सी रिजल्ट्स, राइट. बट फॉर मी इफ आई हैव टू से पर्सनली, जब कुछ कुछ एरियाज थे जिस पर मुझे काम करना था, सबसे पहली चीज थी इज आई वॉज अ पर्सन हु कुड नेवर से नो. यानी मैं किसी को भी कोई भी चीज के लिए ना नहीं कह सकती थी, चाहे वो बाद में मुझे कितना भी बॉदर करे. ओके, सो आई हैड दिस ह्यूज ह्यूज प्रॉब्लम और उसको मुझे टैकल करना, चाहे वो ऑफिस रिलेटेड चीजों में हो, चाहे वो रिलेटिव्स के बीच में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे फ्रेंड्स के बीच में हो, सोसाइटी में. लाइक इवन स्मॉल थिंग्स लाइक यू नो इफ यू हैव टू गो टू अ पार्टी एंड इफ आई नो दैट आई वोंट बी एबल टू मेक इट, मैं उस मोमेंट पे ना नहीं कह पाऊंगी. एंड देन लेटर ऑन आई कीप ऑन थिंकिंग आई कम अप विद सम रीजन. फिर यू नो उसमें भी अगर सामने वाला फोर्स करता है, देन अगेन आई बी लाइक ओके अब मैं इसको कैसे मना करूँ. फिर लास्ट मोमेंट पे समटाइम्स आई जस्ट यू नो मेक अप अ रैंडम एक्सक्यूज एंड नॉट गो. सो यू नो इवन फॉर बेसिक थिंग्स लाइक दैट आई कुड नॉट से नो, विच आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन, क्योंकि वो आपको बहुत रेस्टलेस बनाता है. प्लस बहुत सारी चीजें यानी छोटी छोटी चीजें जो आपको नॉर्मली करनी है अपने हिसाब से वो आप नहीं कर पाते क्योंकि आप ना नहीं कह पा रहे हो या आप यू आर नॉट एबल टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस. I didn't want that. It is a lot of effort. बहुत छोटी चीज sound करती है लेकिन day to day life में बहुत it intervenes. एंड इट्स लाइक अ बबल, राइट. एक बार आप ना नहीं कहते फिर वो चीज़ बढ़ती जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफिस में आप किसी चीज़ को विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इफ यू नॉट गिवन वट यू डिजर्व, लेकिन अगर आप उसको काउंटर नहीं कर पाते, कह नहीं सकते कि नहीं मुझे नहीं लगता कि दिस इज नॉट वट आई शुड हैव गॉट, देन इट बिकम्स अ साइकिल, राइट. नेक्स्ट ईयर भी सेम होगा, एवरी ईयर इट विल रिपीट. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. बट या सो दैट वॉज वन एरिया जो मुझे टैकल करना है. आई एम गेटिंग सो मच बेटर एट दैट. इट स्टार्ट्स विथ यू ट्राइंग और आप बोल दोगे, उसके बाद 2 घंटे रेस्टलेस फील करोगे, बट एटलीस्ट यू स्टूडियो ग्राउंड उस लेवल से शुरू होता है. एंड देन इवेंचुअली इट बिकम्स लाइक अ वे ऑफ लाइफ जहाँ पे यू आर ओके विद सेइंग नो. इट डजंट बॉदर यू एज मच, कंप्लीटली चेंज नहीं हो जाता है, समटाइम्स इट स्टिल बॉदर्स यू, बट इट इज मच बेटर देन व्हाट इट वाज बिफोर. सो दैट इज वन एरिया जो मुझे काम करना था एंड इट हैज वर्क्ड. दूसरी चीज इज बीइंग एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. ओके, सो नाउ द पर्सन दैट आई एम, मैं बहुत बात करती हूँ लेकिन आई नेवर टॉक अबाउट द रियल थिंग्स दैट आई फील. सो अगर मैं अपने लाइफ के ऐसे 5 एक्सपीरियंसेस लिख के दे दूँ ना एक पेज पे के दिस आर सम ऑफ द की एक्सपीरियंसेस समथिंग दैट आई हैव गॉन थ्रू, मेरी लाइफ में देर विल बी नो वन हु वुड एक्चुअली नो कि दिस थिंग्स हैव हैपेंड विद मी. एक चीज शायद एकाचन को पता हो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस है, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यानी अभी मैक्सिमम मेरे निशित को 2-3 पता होगी, मेरे भाई को 1-2 पता होगी, बट ओवरऑल ऑलमोस्ट नो वन वुड नो एनीथिंग अबाउट इट. दे वुड से कि नहीं नहीं डेफिनेटली दिस इज डेफिनेटली नॉट प्राची, ये किसी और का आपने उठा के दे दिया. लाइक दैट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स आई हैव विद शेयरिंग रियल इश्यूज. ओके, सो आई कैन टॉक अबाउट रैंडम ट्रांजेक्शनल चीज़ें बहुत किसी से. रियल इश्यूज़ के बारे में इन दैट मोमेंट आई कॉन्ट टॉक. जिनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ हाइंडसाइड पर मैं बात कर लेती हूँ जब रिजॉल्व हो जाता है तब. जिनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उनको कभी भी पता नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो लाइक फ्रेंड्स फैमिली पेरेंट्स नो वन. सो दैट्स अ बिग थिंग, यानी दैट्स अ बिग बैगेज टू कैरी एज अ ह्यूमन बींग. छोटी छोटी चीज़ों को बोल देना इज लाइक अ ह्यूज रिलीफ, लाइक यू आर पुटिंग थिंग्स आउट ऑफ योर सिस्टम. व्हेन यू डोंट डू दिस सालों साल तक बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं एंड इट काइंड ऑफ बिकम्स लाइक अ बैगेज फॉर यू. सो दैट वॉज वन बिग एरिया जहाँ मुझे काम करना था. लाइक सम वेरी वेरी बिग थिंग्स इन माई लाइफ आई वॉज नॉट एबल टू शेयर विद एनी वन. दैट एरिया आई हैव डेफिनेटली वर्कड ऑन.
इसमें क्या होता है कि लाइक द थेरेपिस्ट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम शेयरिंग. और दिस वाज प्रोबेबली मेरे लिए सबसे लाइक आई रियली लाइक माय थेरेपिस्ट बिकॉज ऑफ दिस आल्सो, क्योंकि दिस वाज वन एरिया जहाँ उसे बहुत ट्राई किया यू नो लाइक टू गेट अ ब्रेक थ्रू फ्रॉम मी, लेकिन बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी आई एम आई कुड नॉट ओपन अप. इवेंचुअली आई थिंक आफ्टर 3-4 months लाइक देर वॉज वन सेक्शन जहाँ समथिंग हैपेंड एंड यू नो थिंग्स स्टार्टेड रोलिंग. तो इट इज लाइक दैट, इट इज अ प्रोसेस. बट या सो दैट इज अनदर एरिया, यानी आज मैं obviously I'm not become like a changed person kya kisi se aake har koi baat karti hu ya you know I share everything that I feel immediately, but like I have taken those steps ke main apne jo close friends hai I've shared things with them which are like very very important to me, which bother me on a day to day life, which define me currently ya meri situations currently. I can go ahead and talk to them about it and I have very good friends, aur phir bhi main kabhi nahi share karti thi. Like I have a couple of very close friends. Then with Nishit also, like if I'm going through something or feeling something, in that moment I could not tell Nishit. I would take like 5-7 days, and he also knows the person that I am. He'll give me that time. And later on, अगर मुझे जितना part बताने का मन किया मैं बताऊँगी, बहुत नहीं बताऊँगी. So now I've started doing that. I share a lot more with Nishit also. So it makes me feel so much lighter as a person. Like क्योंकि जो होता है day to day basis पे, like I'm able to offload it, which is huge. यानी one night becomes very very frustrating and it becomes too much to carry. So that's another great area. उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें like giving knee jerk reactions to something which is still something जो you know I'm working on. So but overall like I've become this very peaceful person जो बहुत easily trigger नहीं होती. बहुत सारी situations जिससे मैं बहुत पहले trigger हो जाती थी because उससे रिलेटेड कुछ कुछ मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस था जिसके जिसका एंगर था मुझ में, बिकॉज ऑफ विच आई यूज टू गेट ट्रिगर्ड एट सिमिलर सिचुएशंस जो शायद इतनी बड़ी ना हो, बट इट वाज मोर लाइक यू नो द बिल्डअप. सो वो जैसे जैसे रिलीज होता है कि आई डोंट गेट इजीली ट्रिगर्ड. और एक बार आप यू नो सी दिस इंप्रूवमेंट इन यू एज अ पर्सन, तो यू फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यू नो यू कम अ लॉन्ग वे. बहुत लाइटर फील करते हो आपको. सो वन स्टेटमेंट विच माई थेरेपिस्ट ऑलवेज सेज इज कि डू यू वॉन्ट टू ऑपरेट योर लाइफ फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर, यानी कॉन्स्टेंटली ये सोच के ये क्या सोचेगा अगर मैं ये कहूंगी तो, या यू नो अगर मैंने अपने आपको एक्सप्रेस कर दिया तो क्या सामने वाला मुझे जज करेगा. यू नो दोस आर थॉट्स विच आर लाइक thoughts of fear. So do you want to live your life with from a place of fear, or do you want to live your life from a place of power? When you start expressing all of this na, aap ek jagah banate ho for more positive energy to come into your life. You have offloaded jo ye negative emotions hai, things that bother you. Obviously a part of it will stay with you, but at least wo baggage leke nahi ghum rahe ho, and then it makes a lot of room for a lot of positive stuff. So definitely that is something that has improved for me. I'm very very conscious about my hamesha se thi, I'm very very conscious about my conduct with my kids, what they see, what they don't see, the kind of behavior jo mujhe unke samne karna hai, unko ek positive healthy jo environment dena hai, uske bare mein I was always very conscious. Ab mere liye wo pehle it looked like a lot of work for me because I used to be like ki nahi sab kuch hi perfect hona chahiye. Now mere mein wo acceptance hai ki kuch kuch cheeze hai jo mere control mein hai, kuch kuch nahi hai. My work is to do the best jo cheeze mere control mein hai usme, jo cheeze mere control mein nahi hai wahan I can just be there for them and help them navigate through that. Usme main influence nahi kar sakti us situation ko, but I can just be there. So wo acceptance bhi bahut badi baat hoti hai, warna you know you kind of start off feeling guilt, aap apne aap pe bahut sara pressure aate ho ki nahi you know my kids are going through this, I don't want them to go through this, so that pressure also comes off. So all of that has happened. It's very difficult ki list down karo cheezon ko, lekin like on a day to day basis aap shayad you know samajh na pao, but from an overall basis you realize that you are a very different person than what you were. Iske baad ka next question hai, how much time did you have to commit from your side to complete this session? So I have not completed this session. There is no time limit as such ke you know aapko kitne sessions chahiye something like this. Obviously frequency matters. So jaise maine shuruaat ki thi to every week I used to do one session. Jaise jaise cheeze thodi ease out hoti gayi, I started getting into a better place. So now I do only 2 sessions in a month, yani har dusre hafte I do like a 1 hour session, and it is completely up to me. Jis din mujhe lage ki I am in a better place, I have other things to take care of, so I can take a break or I can just stop therapy. So it's अप टू यू कि आपको कब लगता है कि यू आर इन अ बेटर प्लेस. मोर ऑर लेस आपने काफ़ी चीज़ें अचीव किए जो आपके गोल्स थे, बाकी तो इट्स लाइक अ कंटिन्यूस जर्नी बिकॉज लाइक आई सेड ये ऐसा नहीं है मेडिकल प्रॉब्लम जैसा जहाँ आप जाके बोलो कि मुझे ये प्रॉब्लम है और फिर ये सिम्टम्स हैं दवाई दो और वो सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे. दिस इज अ जर्नी, यानी एक दिन में कुछ चेंज नहीं होता. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट सीइंग चेंजेस, इट वोंट चेंज कम्प्लीटली. प्रोग्रेस, इट इज प्रोग्रेस बेसिकली, एंड हाउ मच एंड हाउ फार यू वॉन्ट टू टेक इट वो आपका डिसीजन है. उसके बाद है विल इट कम इन द वे ऑफ वंस रेगुलर लाइफ वर्क एंड पर्सनल. ओके सो इट डिपेंड्स, यानी क्योंकि यू हैव टू कमिट सम टाइम राइट, यानी हाँ इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें रोज जाना है. इन मोस्ट केसेस ऐसा नहीं होगा, लाइक इफ यू आर
like a basic person who's just trying to improve their quality of life, improve their mental health, तो once a week type के sessions होते हैं. अगर आप हफ्ते में एक घंटा especially if you're doing remote दे सकते हो अपने आप के लिए तो it's great. यानी usually एक fixed time होता है, जैसे हमारा एक fixed time है, I stick to that time, so I know that I keep that time free. But if you're working, if you have like a very packed schedule, usually obviously therapists भी उन्हीं hours में काम करते हैं 9 to 6 में, they also work on Saturdays. So हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा आपके schedule के हिसाब से you might have to manage, but it's not like difficult or it doesn't hamper your schedule as such because it's just 1 hour a week type का. In terms of overall, you know क्या होता है, I'm just giving you another perspective of how it might have a slight impact. बहुत बार क्या होता है कि when you come out of a therapy session, there are two things, right? आपने शायद कोई बहुत heavy discussions किए हो, then it influences your mood, आपको दिन भर heavy feel होता है, ऐसा सब हो सकता है. So yeah, then that day you might not want to have like very intense other things to do and all of that. तो उस terms में it can intervene a little, but मेरे साथ ये ज़्यादा हुआ है, like after so, like despite of so many sessions, एक या दो दिन ऐसे थे where I felt really drained because बहुत ज़्यादा intense discussion हो गया, but most of the times I came out feeling lighter, which was great. और लास्ट है, विल इट इन्वॉल्व टॉकिंग टू एनीवन अबाउट योर पर्सनल प्रॉब्लम्स दैट यू मे नॉट वांट टू टॉक टू एनीवन अबाउट. तो ये जैसे कि मैंने कहा कि इट इज इम्पॉर्टेंट बट इट इज नॉट नेसेसरी. सो इट इज नॉट लाइक कि आप जाओगे जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हो, आप बताओगे कि आपका क्या प्रॉब्लम है और वो आपको सोल्यूशन देगा. दिस इज मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन जहाँ पे आप सिर्फ बता रहे हो कि आप क्या क्या चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हो, लाइक व्हाट आर द एरियाज ऑफ वर्क दैट यू वांट टू वर्क ऑन. कि मुझे एंगर इश्यूज है फॉर एग्जांपल, या मुझे एंग्जायटी बहुत होती है, आई फील रेस्टलेसनेस अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स, या आई फील लोनली, यू नो. सो आप उनको अपना करंट स्टेट, मेंटल स्टेट बताते हो, व्हाट इज समथिंग दैट यू वांट टू चेंज, और फिर धीरे धीरे थ्रू कॉन्वर्सेशंस और वो थेरेपिस्ट, यू नो, दे ट्राई टू रीच टू द रीजन बिहाइंड सच बिहेवियरल पैटर्न्स एंड देन ट्राई टू गिव यू टूल्स कि आप कैसे, यू नो, क्योंकि वो चेंज नहीं हो जाएंगे ओवरनाइट, बट हाउ यू कैन हैंडल देम बेटर. सो दैट दे विल एक्सप्लेन यू दैट एंड दैट इज अ प्रोसेस. यानी अब उसमें आपको कितना शेयर करना है, किस पॉइंट पर आके आप कितना कंफर्टेबल फील करते हो, इट इज कंप्लीटली अप टू यू. यूजुअली जो गुड थेरेपिस्ट होते हैं, दे नेवर पुश यू इनटू टेलिंग और शेयरिंग और डूइंग समथिंग दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद. यानी इतनी बार हुआ है जब, यू नो, शी ऑलवेज आस्क्स मी, डू यू थिंक नाउ यू आर रेडी टू, यू नो, डू दिस और फॉरगिव एन एक्स पर्सन, तो देन शी विल हेल्प मी विद द टूल्स फॉर दैट. इफ आई एम नॉट रेडी, इट्स परफेक्टली फाइन. यानी आफ्टर 7-8 months, अब जाके, यू नो, देर इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ जो ऑर्गेनिकली एक दिन आई डिस्कस्ड. She has tried a lot of times, लेकिन I didn't. तो she has never pushed me. Usually जो अच्छे therapist होते हैं वो आपको push नहीं करते problem share करने के लिए. I highly recommend though कि at some point you should have that openness कि आप at least parts of it, whatever you feel comfortable with, you share with them so that you can resolve those things. यानी sharing is very difficult, I know. मुझे तो, you know, कभी कभी ऐसे share करने से पहले anxiety होती है, share करने के बाद anxiety होती है types, you know. It is intense, यानी it's not easy. खास करके चीज़ें जो, you know, आप your brush करने का काम है जो आपके day to day life में शायद आप याद भी नहीं करते बहुत बार. To kind of go back to those places, remember those things, share it with someone, and then become raw and vulnerable about how it makes you feel is very difficult. It's very messy. Yani, but yeah, the right therapist will do it in the right way. आपको बहुत एक पेस की फ्रीडम मिलेगी कि आप जब कंफर्टेबल फील करो. मेरे केस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर मी समथिंग दैट शी डिड जो आई नाउ रियलाइज ऑन हाइंडसाइट इज कि बहुत सारी बार बहुत सारी सिचुएशंस विच में आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू शेयर दिस, आई एम फाइन विथ इट, आई हैव डेल्ट विथ इट और आई कैन डील विथ इट, या अगर मैं शेयर करूंगी तो मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगी. तो शी डिड लाइक अ वेरी पावरफुल थिंग विच वर्क फॉर मी वॉज शी वुड ऑलवेज पुट माई चिल्ड्रन, यानी शी वुड टेल मी कि अगर इफ अथर इज गोइंग थ्रू दिस एक्जैक्ट सिचुएशन, आप उसे क्या बोलोगे कि यू डील विथ इट, या अथर अगर कहता है कि मम्मा आई विल डील विथ इट एंड देन टॉक टू यू, हाउ वुड यू फील, व्हाट वुड यू वांट टू टेल हिम. बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में शी यूजेस दैट स्ट्रैटेजी फॉर मी एंड इट वर्क्स सो वेल. जैसे सिंपल थिंग्स, राइट, लाइक इफ यू हैव, इफ यू आर समवन जिसको सेल्फ एस्टीम इश्यूज है एग्जाम्पल, और अगर आप कहते हो कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ का, मैं यही हूँ एंड यू नो आई एम यूजलेस, आई एम गुड फॉर नथिंग फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यही चीज़ अगर आपका बच्चा आके आपको कहता है कि मम्मा आई फील कम्प्लीटली यूजलेस, मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया हूँ, मैं आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई वांट टू गिव अप, तो आप क्या करोगे उसको बोलोगे ओके ठीक है, ऐसे बोलोगे या यू वुड गिव हिम द राइट काइंड ऑफ सेल्फ टॉक टू अंडरस्टैंड कि नो, यू वुड टेल हिम ऑल द गुड थिंग्स अबाउट हिम कि तुम पागल हो, लाइक व्हाई वुड यू से दैट यू आर यूजलेस, यू नो एक्स वाई जेड. तो यू नो यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ लाइक दैट चाइल्ड, दैट्स द होल आइडिया. यानी ऐसे बहुत सारे टूल्स वो लोग यूज करते हैं विच काइंड ऑफ हेल्प यू, you know, manage this behaviors, your feelings, emotions better. So yeah, ये थे वो सारे questions जो overall level से आए थे. I think it covers a lot of it. एक दो और questions है. एक तो question है, Prachi, I just wanted to know, do you miss your professional life? I mean the financial independence. In case you do, how do you keep yourself motivated? Okay, so this is a very specific question.
सो येस आई डू मिस माई प्रोफेशनल लाइफ. व्हाट आई मिस अबाउट इट इज अडल्ट जो इंटरेक्शन होता था, लोगों से मिलना होता था, घर से बाहर निकलना होता था, एक ऑफिस गॉसिप वाला वो सीन होता है, यू नो व्हेन यू शेयरिंग, यू आर जस्ट नॉट टॉकिंग टू योर किड्स एंटायर डे, आपको एक चेंज ऑफ एनवायरमेंट मिल रहा है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ट्रैवल कर रहे हो आप, यू नो देर आर माइलस्टोन्स एंड देर आर अचीवमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो या आई डू मिस सम ऑफ दोज पार्ट, स्पेशली दोज सोशल इंटरेक्शन वाला पार्ट है ना, कि रोज लोगों से मिलना, बाहर जाना एंड थिंग्स लाइक दैट. आई डेफिनेटली मिस दोज थिंग्स. यानी कभी कभी मैं सिर्फ पुराने लोगों को कॉल करके ऑफिस में क्या हो रहा है, लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू हियर दैट गॉसिप. समटाइम्स आई जस्ट वॉन्ट टू गो आउट टू द कैफेज एंड सिट एंड वर्क, ताकि यू नो मुझे ऐसी फीलिंग आए कि हाँ आज बाजू लाइक देर आर सो मेनी अडल्ट्स एंड आई एम लिविंग अ नॉर्मल लाइफ. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई डू मिस इट वंस इन अ वाइल, बट मोस्ट ऑफ द डेज आई एम हैप्पी कि मुझे एक टाइम पे नहीं उठना है, मुझे एक पर्टिकुलर तरीके से ड्रेस अप नहीं करना है, मुझे भाग के कहीं नहीं जाना, आई डोंट हैव टू डील विद ट्रैफिक एंड ऑल. सो लाइक ओवरऑल लेवल पे आई एम मोर हैप्पी अबाउट नॉट हैविंग टू डू दोज थिंग्स, बट या आई डेफिनेटली मिस दोज पार्ट्स. आई थिंक what she's also trying to ask is from a financial independence perspective, because I get it ke as a mom or as a woman, if you specifically have left your corporate life, if you stopped earning, it's a huge thing and it impacts your mental health in a lot of ways, because you know now you're dependent on someone, you're not doing things yourself, aapke paas wo independence nahi hai financially to take your own decisions, sometimes you're also scared ki aage jaake kuch problem hua to how will I manage, you know, and things like that. I don't know, as in I might not be the right person to answer this, because सो वाइल आई लेफ्ट माई जॉब, लेकिन मैंने जब अपनी जॉब छोड़ी तब आई ऑलरेडी हैड समथिंग विच वॉज लाइक द जूनियर गुरुकुल दैट आई वॉज वर्किंग ऑन, एंड दैट वॉज ऑलरेडी मेकिंग मी मनी. यानी नॉट टू द लेवल ऑफ माई सैलरी एट दैट टाइम, बट इट वॉज मेकिंग मी इनफ मनी कि आई वॉज स्टिल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई कुड टेक केयर ऑफ माई ओन नीड्स एंड मेरे बच्चों की नीड्स, जो भी छोटे मोटे मुझे यू नो वट एवर थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, वट एवर एक्सपेंसिस आई वॉज डूइंग, थोड़ा बच्चों सेविंग मुझे करना है, वो सब आई कुड मैनेज, और तभी मैं छोड़. यानी अदरवाइज आई गेट इट, आई वुड हैव बीन वेरी वेरी एंशियस टू लीव माई जॉब के यू नो, अगर मेरे पास वो प्लान भी नहीं होता. बट मेरे केस में इट्स स्लाइटली डिफरेंट, आई वॉज एंड आई एम स्टिल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई एम मेकिंग माई सेविंग्स, आई एम मेकिंग माई एक्सपेंसिस, मेरे पास अपने पुराने भी काफी सेविंग्स है, जहाँ मुझे पता है कि अगर थिंग्स इवन इफ दे डोंट वर्क आउट फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आई विल मैनेज. सो फार आई डोंट फील दैट काइंड ऑफ, यानी इट इज नॉट इम्पैक्टिंग मी मेंटली एज सच. ऑब्वियसली देर आर लाइक रैंडम टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बात अपनी थेरेपी में भी डिस्कस की थी कि इन द लास्ट होल ईयर मुझे सिर्फ एक बार ऐसा फील हुआ कि यू नो ओ डैम काश मेरी सैलरी आ रही होती, एंड एक्चुअली दैट्स अ बिग विन, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि अगर मुझे तो रोज आता है ऐसा ख्याल, लेकिन मुझे पूरे एक साल में एक ही बार आया, सो दैट्स अ बिग विन. बट वो एक बार कब आया था, इट वॉज इन डिसम्बर, जब क्रिसमस हॉलीडेज में एवरी वन वॉज गोइंग ऑन हॉलीडेज, ओके, एंड वी ट्रैवल अ लॉट, राइट. यानी हम लोग भी गए बाहर, अभी भी गए, लेकिन विद अथर वी यूज टू ट्रैवल सो मच मोर. जब अथर नहीं था उससे पहले हम वी यूज टू ट्रैवल सो मच मोर, एंड वाइल एट दिस पॉइंट आई एम ओके विद नॉट ट्रैवलिंग एज मच, कि मेरे लिए तो एफर्ट भी है दो बच्चों को लेकर ट्रैवल करना, इट्स नॉट सो मच फन ऑल्सो, बट सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार मीरा कितना कुछ मिस आउट कर रही है. अथर के साथ हमने ये यू नो ग्रोइंग अप ईयर्स में भी मेड हिम ट्रैवल सो मच, वी हैड सो मेनी मेमोरीज. अब मीरा के लिए इट्स लाइक ऑलमोस्ट दो साल की होने वाली है, वी हैव नॉट ट्रैवल्ड एज मच. यानी अथर के टाइम पे वी हैड गॉन आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो बिफोर ही वॉज 2 years ओल्ड. सो या मीरा के साथ भी ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, वी एवरी 3-4 months वी टेक अ वेकेशन, बट इट्स नॉट लाइक एज एलाबरेट जैसे अथर के साथ था. सो या आई डिड फील लाइक अ लॉट एट दैट टाइम कि यार क्या मैं, यानी दिस अनफेयर टू मीरा वाला पर्सपेक्टिव आ गया था. दूसरा मुझे था कि यू नो अथर वॉज सो एक्साइटेड एंड ही वॉज लाइक, यूजुअली क्या था स्कूल के पहले दिन पूछते कि वेयर डिड यू गो फॉर योर वेकेशन, व्हाट डिड यू डू इन योर विंटर हॉलीडेज एंड ऑल, गेट्स से कि हम यहाँ गए हम वहाँ गए, एंड आई वॉज लाइक ओ गॉड अथर तो कहीं नहीं गया, हाउ वुड ही फील व्हेन एवरीवन सेज कि हम यहाँ गए वहाँ गए. दिस आर एक्चुअली थिंग्स विच आर इन आर माइंड, बच्चों को नहीं ये सब क्लिक करता इतना, बट या सो दैट वॉज द ओनली टाइम वेर आई डिड फील कि यार, बिकॉज वी हैव बीन अ लिटल कॉन्शियस, स्पेशली इनिशियल जो हमारा सेटअप पीरियड है वहाँ, कि वी डोंट स्प्लर्ज टू मच, ताकि बिकॉज अभी पता नहीं ना कि किस हिसाब से एक्सपेंसिस होंगे, किस हिसाब से इनकम बिल्डअप होगी आगे जाके, सो वी आर टेकिंग इट वेरी वेरी स्लो और वी आर बीइंग वेरी वेरी कॉशियस. तो उस वजह से कुछ कुछ एक्सपेंसेस हमने कटल किया, ट्रैवल बिंग वन ऑफ देम. सो या आई डिड फील इट दैट टाइम, बट अदरवाइज इट डजंट, आई हैवंट फेल्ट इट, बट आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, और अगर ऐसा है तो आई एम टेलिंग यू द ओनली वे टू डील विद इज टू गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. यानी आप कितना भी सेल्फ टॉक कर लो, कितनी भी थेरेपी कर लो, कितनी भी हेल्प ले लो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एज मच एज गेटिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विल, क्योंकि दैट इज द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन विल लाई इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ओनली. या सो ये थे वो क्वेश्चन. मुझे एक और क्वेश्चन आया था विच आई रिमेंबर कि मैंने आज सुबह नींद में पढ़ा था, आज सुबह या कल सुबह, एंड आई नाउ कैन फाइंड दैट क्वेश्चन. बट द क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट समवन जिसके दो बच्चे हैं, एंड शी गेट्स एंग्री ऑन देम वेरी फ्रीक्वेंटली, शी हैज अ लॉट ऑफ एंगर इश्यूज, चिल्लाती है वो उन पे, गुस्सा करती है, एंड देन शी फील्स गिल्टी अबाउट इट. और कल मदर्स डे था,
तो दे मेड अ मदर्स डे कार्ड फॉर हर एंड फिर उसको और बुरा लगा कि आई एम अ टेरेबल मदर एंड ऑल एंड शी थिंक्स शी नीड्स मेडिकल इंटरवेंशन. सो आई डोंट नो द सिचुएशन. आपने जितनी चीज़ें जो बताई है वो सबके साथ होता है. सो इफ दैट इज इट, यू डोंट नीड मेडिकल इंटरवेंशन, यू नीड सम मी टाइम, यू नीड सम कामिंग डाउन, यू नीड सम हेल्प, ओके. एंड ऑल ऑफ दैट इज ओनली बिकॉज आप इतना सब कुछ हैंडल करो. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम जो आप में है, वो सिचुएशन में है. यू आर हैंडलिंग सो मच बाई योर सेल्फ एंड यू आर ओवरवेल्ड. और ये बहुत नॉर्मल है, यानी कोई भी जो ये करता है ऑन अ डे टू डे बेसिस रिपीटेडली विदाउट अ ब्रेक विदाउट हेल्प, इट इज नॉर्मल फॉर देम टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस. एंड दिस एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि यू नो बहुत बार हमारी सिचुएशंस का असर हमारे बच्चों पे पड़ता है. हमारे जो इश्यूज होते हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे, वी माइट हैव इश्यूज विद आवर फैमिली मेंबर्स, हमारे पेरेंट्स में हो सकता है देयर आर इश्यूज, हमारे लाइक आई सेड देयर माइट बी सर्टेन थिंग्स व्हिच आर गोइंग थ्रू इन स्कूल. आपके बच्चे के लिए एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी दैट सेफ स्पेस जहाँ ये सब चीज़ों से डील करके वो आ पाए एंड दे कैन टॉक टू यू. Being emotionally, यानी this is something which almost most of the parents miss out on. हम लोग को लगता है कि हम बच्चों की activities में उनके साथ है, उनकी birthday parties में उनके साथ जा रहे हैं, उनके साथ vacations पे जा रहे हैं, उनको अच्छी school में पढ़ा रहे हैं, अच्छे कपड़े दिला रहे हैं, and so we are like just you know doing our job. The thing is, the biggest thing for kids is parents who are emotionally present. यानी अगर आपका बच्चा आके आपको problem बता पा रहा है, अपनी छोटी सी चीज़, मम्मी इसे मुझे धक्का मारा, मम्मा आज मुझे sad feel हो रहा है, आज मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है स्कूल में, यू नो बेसिक थिंग्स लाइक दिस. इफ द किड इज एबल टू टॉक टू यू अबाउट दैट. और इस एज पे ये होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट. स्कूल में किसी टीचर ने कुछ कह दिया, आपने अच्छा स्कोर नहीं किया था, आपको एक पर्टिकुलर वे फील होता है, आपके साथ लाइक आई सेड अ लॉट ऑफ अस गेट हरास्ड, अ लॉट ऑफ अस गेट मोलेस्टेड. सो इफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इश्यूज होंगे एज दे ग्रो अप, सो ऑल ऑफ दैट योर किड शुड बी एबल टू कम एंड टेल यू. यू शुड बी दैट सेफ स्पेस जहाँ उनको पता है कि मैं जाके बोलूंगा मम्मी को, कुछ नहीं तो मम्मी सुनेगी एंड कुछ ना कुछ मुझे या तो सोल्यूशन देगी या तो यू नो मुझे हेल्प करेगी, जो भी है. सो यू हैव टू बी दैट स्पेस फॉर योर किड्स. बट फॉर यू टू बी दैट स्पेस यू हैव टू बी इन दैट स्पेस. यानी अगर आप ही खुद अपने इश्यूज के साथ डील कर रहे हो तो यू विल नेवर हैव दैट बैंडविड्थ जहाँ आप अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रह सको इमोशनली. और अगर आप वो नहीं रह पाओगे ना, यू विल डू अ बिग बिग डैमेज टू योर किड्स, क्योंकि फैमिली इज लाइक अ बिग सपोर्ट सिस्टम एंड इफ दैट इज नॉट इन प्लेस नो इट स्क्रूज अप विद अ किड्स लाइफ. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो भी इश्यूज है ना उसको डील करो. लाइक आई सेड, इफ यू नीड थेरेपी, इफ यू नीड हेल्प, इफ यू नीड मी टाइम, हैव कॉन्वर्सेशन अपने पार्टनर के साथ, जो भी है, लाइक वट एवर इज रिक्वायर्ड डू इट एंड ट्राई टू मेक दैट चेंज. चाहे इतना चेंज हो चाहे इतना चेंज हो, डिप्रेस मत हो जाइए. डोंट थिंक द प्रॉब्लम इज यू, बिकॉज एक्चुअली दैट इज नॉट एंड दैट इज एक्जैक्टली वट यू नो दिस थेरेपी टॉक्स टू यू अबाउट. कि हम लोग बहुत बार अपने आप को प्रॉब्लम समझ लेते हैं, वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्फ्स, वी स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट होल ऑफ यू नो सेल्फ डाउट एंड सेल्फ वर्थ इश्यूज एंड ऑल ऑफ दैट. द प्रॉब्लम इज नॉट यू, एवरी मॉम इज गोइंग थ्रू दिस एंड इट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम. क्योंकि इंडिया में सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फादर्स आर नॉट दैट प्रेजेंट, नैनीज इतनी अच्छी मिलती नहीं है, डे केयर एंड चाइल्ड केयर जो होता है वो इतना इवॉल्व नहीं है कि हम ट्रस्ट कर पाए, जॉइंट फैमिली सिस्टम पूरा हिल रहा है. सो वी डोंट हैव हेल्प इन दैट रिगार्ड ऑल्सो. वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ पेरेंटिंग जो बहुत सारे हमारे रिलेटिव या पेरेंट्स नहीं समझ पाते एंड हैंस इट इज़ अ डिफिकल्ट टाइम टू बी अ पेरेंट, टू बी अ मदर स्पेसिफिकली. सो बी काइंड टू योरसेल्फ. ये मत समझिए कि आप प्रॉब्लम हो, बट प्रॉब्लम है जो आपको रिजॉल्व करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर किड्स ओनली एंड फॉर योर ओन मेंटल सैनिटी ऑल्सो. सो वट एवर इज रिक्वायर्ड ट्राई टू डू दैट. दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से एंड या दैट्स ऑल. आई थिंक मोर ऑल सब कुछ कवर हो गया. आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल इन सम वे. बहुत चैटी और लंबा हो गया, सॉरी अबाउट दैट. बट या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.